एएस ग्लोबल हाई स्कूल चिंतलमेट इमादनगर में आज इस्लामी एग्जीबिशन की गई, जहां पर ग्लोबल हाई स्कूल के तुलबा ने कई इस्लामी चीज़ों के मॉडल्स बनाए और बाहर से आने वालों को इस मॉडल्स के बारे में बताया, जैसे मक्का और मदीना और खवातीन हज किस तरह करें और जहेज नहीं लेना चाहिए, मस्जिद के आदाब, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, पानी का इस्तेमाल वगैरह। इस स्कूल में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। इस मौके पर मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी तंजीम के एक्टिव मेंबर शाहनवाज के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। इस ग्लोबल स्कूल से बोल रहा हूँ जो मीर मोइन साहब पहाड़ी इमाननगर में कायम है, और यहाँ पर आज जो है हमारे पास इस्लामिक एग्जीबिशन है। आप इसका डेजिग्नेशन क्या है? जी, मेरा जो डेजिग्नेशन है कि मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो सर है जो है प्रेसिडेंट है। तो ये इस्लामिक एजुकेशन रखने का मतलब यही है कि पब्लिक को थोड़ा इस्लाम का भी अवेयरनेस देना है। जैसे कि हम लोगों ने मॉर्निंग जो जब शुरुआत की थी स्कूल की, तो इस समय बताया था कि ये मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एनवायरनमेंट। तो जो इस्लामिक एनवायरनमेंट है वो पब्लिक को हम बताना चाह रहे हैं थ्रू हमारे स्टूडेंट्स के कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एग्जिबिट के थ्रू। जी, आप क्या मतलब ज़्यादातर टीच क्या देते हैं आप स्कूल में? ज़्यादातर जो है बच्चों को हम लोग जो है क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है आजकल ये एजुकेशन जो है ओल्ड जो सिस्टम से चल रहा है उसमें मैक्सिमम बच्चों की जो है मेमोरी लॉस हो जाती है। जब बच्चे अपने से खुद क्रिएटिविटी से जो करते हैं तो मैक्सिमम उन लोगों को क्या 90% वो कैच करते हैं, और 90% में उन लोग का इन्वायरमेंट जैसा रहेगा तो उस तरह से उन लोग का एजुकेशन भी बढ़ते जाएगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बच्चों को। ये आपके पास कितने बच्चे अभी तक? अभी राइट नाउ हमारा फर्स्ट ईयर है, ये 260 स्टूडेंट्स है। आपको कितना टाइम लगा इन बच्चों हम लोग जो है इसकी मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और पब्लिक को यहाँ पर हम लोग समझाते गए कि पब्लिक एक्चुअल में जो है पब्लिक को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए चीप एंड बेस्ट, उस तरह का हम लोग का मोटिव था और यही एक एम लेकर हम यहाँ पर आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मिर्ज़ा माजिद बेग एस ग्लोबल स्कूल से बोल रहा हूँ, मैं एक प्रेसिडेंट की हैसियत से। जो यहाँ पर इस्लामिक एग्जीबिशन रखने का मकसद ये है ताकि बच्चों में दीन और दुनिया दोनों की तालीम से कामयाबी हो सके बच्चे, और ये एग्जीबिशन रखने का मकसद ये है कि अखलाक पर जोर दी गई है और अच्छाई और बुराई की चीज़ें जैसे गुड हैबिट बैड हैबिट इसमें चीज़ें रखी गई है, जहेज पे जैसे लानत दी गई है, और हम इस मकसद में बच्चों को ताकि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हर जो शोबे है जैसे अंग्रेज़ी हो चाहे तेलुगु हो चाहे इंग्लिश हो इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा दौर दिया जा रहा, साथ ही साथ इसमें भी बच्चे कामयाब हो सके और अपने माहौल में एक अच्छे अखलाकी बच्चा बनकर महल्ले में एक रोशन चिराग की तरह कामयाब बन सके बोलकर रखा गया है।